हाय, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेफ बिलाल, वेलकम टू माय कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रहा हूं चिकन लीवर विद पोमीग्रेनेट सॉस। तो चिकन लीवर इज अ वेरी फेमस मिडिल एशियन डिश, तो आज मैं इसको बनाऊंगा वेरी इजी और सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन लीवर। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे, यहाँ पे मेरे पास चिकन लीवर है, 500 ग्राम मैंने चिकन लीवर ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया इसको, और वॉश करके आप स्ट्रेन कर ले 10 मिनट्स के लिए। व्हाइट ऑनियन है यहाँ पे मेरे पास, गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, गार्लिक चॉप कर लिया मैंने अच्छे से 5 पीसेस। बटर चाहिए होगा हमारे पास, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, फ्रेश पोमीग्रेनेट है, फ्रेश लेमन यूज करेंगे, पोमीग्रेनेट मोलासेस है यहाँ पे हमारे पास, फ्रेश कोरिएंडर है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन ले लें आप, पॉट ले लें, इस पर मैं ऐड करूंगा बटर, 1 टेबलस्पून बटर यूज कर लें। अगर बटर नहीं है तो हम ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और मैं बटर विद ऑलिव ऑयल यूज करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी है तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर लेंगे इसमें। अच्छे से गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखें, ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है हमारा। अब मैं इस पे ऐड करूंगा चिकन लीवर। तो यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन लीवर है, तो ये अभी हम ऐड कर देंगे इस पे। तो फ्रेंड ये देखें, कुक करते वक्त स्पून बिल्कुल भी यूज ना करें इस पर, स्पून से हिलाएं मत, क्योंकि फिर चिकन लीवर जो है वो टूट जाएगा। तो हम इसको तोड़ना नहीं है, इसको हल्की आंच में आपने ऐसे आराम आराम से पैन को हिलाते रहें और कुक करते रहें। और अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, तो कवर कर लेंगे इसको हम। तो फ्रेंड ये देखें, 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और देखें बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसमें, बिल्कुल भी जो है ना ये टूटे नहीं है, इसको हल्की आंच पे मैंने कुक किया है, तो कलर इसका ब्राउन हो चुका है हल्का सा। अभी हम इस पर इस टाइम पे मैं ऐड करूँगा फ्रेश गार्लिक चॉप। तो फ्रेश गार्लिक चॉप आप ऐड कर लें। तो इस पर जो गार्लिक जो है अभी हमने ऐड किया है इसमें, जो चिकन लीवर की जो नेचुरल स्मेल है वो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी गार्लिक की वजह से, जो हमने गार्लिक डाला है। ये तो अभी इसको 2 मिनट्स के लिए और कवर कर लेंगे हम। तो फ्रेंड चिकन लीवर हमारा कुक हो रहा है, तो अभी हम बनाएंगे पोमीग्रेनेट सॉस। तो पोमीग्रेनेट सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पे पोमीग्रेनेट मोलासेस है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा इसमें, देखो 4 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पे, तो ये ऐड कर दिया मैंने। अभी इस पर मैं ऐड करूँगा फ्रेश लेमन। तो फ्रेश लेमन हम आप फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश लेमन वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास, तो फ्रेंड पोमीग्रेनेट ऐड कर दिया, अभी फ्रेश लेमन जूस इस पर हम ऐड कर देंगे, 1 पीस ऑफ फ्रेश लेमन स्क्वीज कर लें आप। अब इस फ्रेश लेमन जूस, अब मैं इस पे ऐड करूंगा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश गार्लिक चॉप गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी।
ये देखेंगे फोमी ग्रेन मोलासेस हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड देखें चिकन लीवर देखें हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो हमने इसके अंदर बटर ऑयल ऐड किया था, गार्लिक देखें ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल कलर। तो ये देखें ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्लेट है, इसमें मैं इसको निकालूंगा। ये देखें इसलिए आप निकाल रहे इसको। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो चिकन लीवर हमने देखें ऑलमोस्ट निकाल लिया, अभी हम सॉस को कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले हल्का सा ऑयल ऐड कर लें आप, ऑलिव ऑयल, चॉप ऑनियन है यहाँ पे मेरे पास, चॉप ऑनियन, अच्छे से इसको सोते कर लेंगे। तो देखें ऑनियन हमारा ऑलमोस्ट सोते हो चुका है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है ऑनियन को, ऐसे आप हल्का सा सोते कर लें। अभी मैं इस पर ऐड करूँगा पोमीग्रेनेट सॉस मोलासेस, जो मैंने इस पर गार्लिक ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड किया था, लेमन जूस, अब ये ऐड कर देंगे हम। ओके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारी सॉस जो है, मैंने इसको 2 मिनट कुक किया है, तो सॉस ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा चिकन लीवर, चिकन लीवर ऐड कर देंगे हम इस पर। फ्रेंड इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको ओनली 2 से 3 मिनट हम कुक कर लेंगे बस सॉस के अंदर। वेरी नाइस, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब ज़रूर इसको ट्राई करें बनाएं। तो फ्रेंड ये देखें चिकन लीवर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सॉस देखें ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, इट्स वेरी नाइस ब्यूटीफुल कलर। तो चिकन लीवर देखें बिल्कुल भी टूटा नहीं है, ब्रोक नहीं हुआ, इस हल्की आंच में इसको कुक किया है मैंने। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखें चिकन लीवर, अभी हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल तरीके से इसको मैंने रेडी किया है। वन बाय वन आप इसे डाल लें, प्लेटिंग कर लें अच्छे से। तो ये देखिए प्लेटिंग हमने ऑलरेडी कर ली है अच्छे से, अब इस पर गार्निश कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश पोमीग्रेन है, तो पोमीग्रेन के साथ अच्छे से गार्निश कर लेंगे इसकी। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो हम अभी इस पर ऐड करेंगे पार्सले, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर है, आप कोरिएंडर ऐड कर लें, पार्सले ऐड कर लें। तो फ्रेंड ये देखें प्लेटिंग हमने ऑलमोस्ट कर ली है, इसमें अच्छे से गार्निश भी हो गई है, पार्सले कोरिएंडर की आप गार्निश कर लें। तो फाइनली चिकन लीवर विद द पोमीग्रेनेट मोलासेस हमारा रेडी हो चुका है, वेरी इजी और सिंपल तरीके से इसको रेडी किया है। देखें आप ज़रूर इसको ट्राई करें बनाएं। तो फ्रेंड चिकन लीवर विद द पोमीग्रेनेट मोलासेस फाइनली रेडी कर लिया मैंने, वेरी इजी और सिंपल तरीके से इसको मैंने रेडी किया है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें घर में बनाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।